रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट रहा वो शेयर कर दूंगा मैं। तो फाइनली बैक टू होम जी, यानी कि मैं घर वापस आ चुका हूँ। आप बैकग्राउंड से अंदाज़ा कर सकते हैं, तो एक गांव में था जैसा कि मैंने आपको बताया, और वहाँ पर तकरीबन 10 से 12 दिन गुजारे। अभी भी आने को दिल तो नहीं कर रहा था जैसा माहौल था, लेकिन घर तो वही घर ही होता है अपना। फिर बहरहाल जी, अगर डॉलर रेट के मुताबिक बात करें, आपको साथ में दिखा रखा हूँ मैं, आज 286.52 रुपये हो चुका है। कल की नस्बत तकरीबन 70 पैसे या 80 पैसे तकरीबन महंगा हुआ है आज फिर डॉलर। अगर रियाल रेट की बात करें तो आज का जो एक्सचेंज रेट है वो आपको पहले मैं बता दूँ, 76.32 रुपये हो चुका है आज का एक्सचेंज रेट। वैसे इस वक्त आप पाकिस्तान में अगर रियाल चेंज करवाना चाह रहे हैं, आपको 76.50 रुपये से लेकर 77 रुपये अराउंड में रेट मिल जाएगा। कुछ भाई तो मुझे ये भी कमेंट करते हैं, भाई 79 रुपये प्लस में दे रखे हैं एजेंट, हो सकता है क्योंकि मैंने चंद दिन पहले ही अपने एक दोस्त है मेरा बहुत अच्छा, उससे मुलाकात की, जिनकी ट्रैवल एंड टूर्स की एजेंसी है बकायदा विजा वीज़ा उम्र वीज़ा का काम करते हैं, और जल्द इंशाल्लाह ताला मैं आपको इस पैकेज के मतलब भी बताऊँगा। परदेसी भाइयों को अच्छा फ़ायदा होगा, आपको अच्छी सहूलियत मिलेंगी। अच्छा, बात ये करने वाला था कि वो जा रहे थे दुबई एंड सऊदी अरेबिया होटलिंग बुकिंग के मामले को लेकर, तो रियाल नहीं मिल रहे थे शहर से, ये सूरत हाल थी। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं ये मान सकता हूँ कि भाई रियाल 79 रुपये प्लस में एजेंट देते होंगे, ठीक है। बहरहाल मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से अगर बात करें, STCPA की बात करेंगे आज सबसे पहले, तो STCPA का आज का जो रेट है जी वो 75.70 रुपये हो चुका है। 10, 17 and 23 रियाल इनकी फीस होती है। अगर तहवील राजी यानी कि रागी बैंक की हम बात करें तो इनका आज का रेट 75.46 रुपये, 10, 17 and 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो वेस्टर्न यूनियन का आज का रेट 75.78 रुपये, 10, 17 and 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। एंड मनीग्राम की बात करें तो मनीग्राम आज का रेट 75.70 रुपये, 10, 17 and 23 रियाल फीस के साथ। टैली मनी यानी कि ANB बैंक की अगर बात करें तो इनका आज का रेट 75.49 रुपये, 10, 17 and 23 रियाल फीस के साथ। और अगर फौरी बैंक यानी कि बैंक जसीदा की हम बात करें तो इनका आज का रेट 75.75 रुपये, 10, 17 and 23 रियाल इनकी भी फीस है। अगर हम इंजाज बैंक की बात करें तो इंजाज बैंक आज का रेट 75.66 रुपये हाई रेट दे रहा है, 10, 17 and 23 रियाल फीस के साथ। एंड अगर क्विक पे की बात करें तो क्विक पे का आज का रेट 75.82 रुपये हाई रेट है इनका भी, और इनकी भी 10, 17 and 23 रियाल फीस होती है। पाकिस्तान से यानी मिसाल के तौर पर मैं आपको लास्ट में ये बताता चलूँ कि अगर अभी क्या रियाल भेजने देने चाहिए या रोक कर रखने चाहिए, लास्ट में ये बात कर लेते हैं। तो मेरे मुताबिक आने वाले दिनों में भाई रियाल मजीद ऊपर जाएगा, यानी कि अगर आप इस वक्त अपने पास 5,000 आने वाले यानी कि 1 माह 2 माह 3 माह बाद तक अपने पास 10,000 रियाल सेव कर सकते हैं तो डेफिनेटली बात है आपको भाई 50,000 से लेकर 1,00,000 का फायदा होने वाला है। ये आने वाले 1-2 माह के बाद मैं ये बात आपको फिर से दोहराऊंगा।